सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बोले कि बीमारियों को देखते हुए इंदौर में अधिक बेडों की जरूरत है और इस हॉस्पिटल के खुलने के बाद जो समस्याएं आने वाली थी वो नहीं आएंगी और रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश सरकार इस कोरोना महामारी में हर तरह से तैयार है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। कोरोना के इस दौर में हमें और अधिक बिस्तरों की आवश्यकता थी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कारण, वैसे तो वहाँ 14 विभाग काम करेंगे लेकिन हमारी प्राथमिकता है कोविड के पेशेंट्स का इलाज। इससे इंदौर और इंदौर के आसपास की जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को। 18 में शिलान्यास हुआ था, ताई जब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी, और स्वास्थ्य सुविधाओं की आज सबसे ज़्यादा दरकार थी बढ़ाने की, वो इससे पूरी हुई है। मुझे इससे ज्यादा नहीं कहना बाकी। शिव भैया एक सवाल करना था आपसे। शिव भैया, कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर मेरा सर आपसे विनती है कि रेसिडिविर, रेमडेसिविर और टोसिविर जूमैक्स, ये दो दवाइयाँ जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये दोनों दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बाहर से मंगवाना पड़ रही है, तो शिव भैया इसके लिए प्लीज आप कुछ कर दीजिए। जरूर जरूर, आपका सुझाव। सर एक क्वेश्चन मेरा है, जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में 1980 रुपए में इलाज हो रहा है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो 4,500 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग क्या? हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कुछ समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हर्ष जी, ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और जेईई की परीक्षा समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो। जनता परेशान है, आपने कुछ घोषणा की है? आज हमने तय कर दिया है बढ़े हुए बिजली के बिल सारे स्थगित किए जाते हैं। बात पूरी होने दीजिए। बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित किए जाते हैं, अगले महीने केवल एक महीने का ही बिल आएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों का पूरा परीक्षण और जांच करके हम फैसला करेंगे, वो अभी वसूल नहीं होंगे। चर्चा जारी है, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। मेरा कहना आपसे ये था, शिवराज जी आप दूसरी बार एक 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 अनलॉक के बाद से ही भाजपा के जितने भी आयोजन हुए सब में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। नहीं, आपने अपने शादियों में और शव यात्रा में संख्या तय करी है, राजनीतिक आयोजन में संख्या तय क्यों नहीं है? तो क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है या नेताओं के लिए? नहीं, सबके लिए नियम है और नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आप चौथी बार सीएम हो गए, दूसरी बार में आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश सहित इंदौर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के, लेकिन उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई। क्या हम करके गए थे, बीच में इन्होंने कुछ व्यवस्था बदली, वैध की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।